दोस्तों किसको आइसक्रीम पसंद नहीं है मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड लव ईट आइसक्रीम राइट लेकिन मैं एक एक्सेप्शन हूँ मुझे बिल्कुल भी आइसक्रीम पसंद नहीं लगता चाहे मैं टॉप रेस्टोरेंट्स या फाइव स्टार होटल में जाऊँ मैं डेजर्ट सेक्शन की तरह बिल्कुल नहीं देखता हूँ इसका रीजन ये है कि आई डोंट टेस्टी और वो बॉडी में भी बहुत ज्यादा कैलोरीज ऐड करता है ना इसलिए लेकिन जब भी, भी मैं कुंदापुरा जाता हूँ ना जो कर्नाटका के कोस्टल रीजन में एक छोटा सा टाउन है मैं एक आइसक्रीम शॉप को उधर जरूर विजिट करता हूँ और मिनिमम आई इट वन आर टू गडबड आइसक्रीम उस शॉप का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग जैसा लगता है ना इसीलिए पता नहीं वहाँ की ह्यूमिडिटी की वजह से वो आइसक्रीम उतना टेस्टी लगता है फिर वहाँ की आइसक्रीम ही इतना डिलीशियस होता है बट जब भी मैं उधर जाता हूँ मिनिमम वन आर टू आइसक्रीम्स दोस्तों लाइक हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और हमें उसको एक्सप्लोर करना चाहिए ना हम यही लॉजिक को इंट्राडे ट्रेडिंग में भी अप्लाई करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों लेट्स try टू अंडरस्टैंड why दिस PDH and PDL एंड a crucial role प्लेस in intraday trading. रोल so इन for example, सो हियर फॉर मैं इसको आरियजेंटल लाइन ड्रा करता हूँ ये थर्सडे का हाई है और ये लास्ट ट्रेडिंग डे का लो है थर्सडे का लो है अभी एक बार सोचिए मैं पूरा जूमआउट कर लेता हूँ आप एक बार सोच लीजिए why this particular level acted as a previous day high. हाई so, कितना है फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी नाइन वाई ट्वेंटी डे वाई नॉट ये हाई आपको समझ में आ रहा है ना मेरा क्वेश्चन ये पर्टिकुलर हाई वाई दिस ट्वेंटी वन फोर फिफ्टी नाइन बिकेम द हाई ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे सिमिलरली वाई दिस लेवल ट्वेंटी वन टू फोर्टी सिक्स

इसीलिए ट्वेंटी वन फोर फाइव बिकम द डे हाई सिमिलरली इस लेवल पे ट्वेंटी वन टू फोर्टी सिक्स पे लास्ट सेलर था इसके नीचे कोई सेलर नहीं था इस लेवल के नीचे सेलिंग के लिए कोई रेडी नहीं थे इसलिए दिस इस लेवल बिकम डे स्लो ओके सो दिस इज वेरी सिंपल है अभी लेट्स से इस फॉर्मेशन के होने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट दिन आता है ना नेक्स्ट ट्रेडिंग डे दिन आता है सो लेट्स मार्केट में वर्ल्ड सिचुएशन में कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं है ओके सो दिस इज द क्लोज ऑफ दैट पर्टिकुलर डे राइट सो डोंट अज्यूम दैट मार्केट विल ऑपरेट ओनली इन बिटवीन नाइन फिफ्टीन टू थ्री थर्टी क्योंकि मार्केट इट वर्क्स ट्वेंटी फोर सेवन लोगों का माइंड में ओवर रन होता रहता है वो ये मेरा पोजिशन है अभी कल किधर गैप अप होगा गैप अप डाउन होगा उस तरह फंडामेंटली वो रन होता रहता है सो लेट्स से दिस इज द डे हाई राइट ऑन दिस पर्टिकुलर डे एंड दिस इज द डे लो सो लेट्स से मार्केट ओपन हियर इट्सेल्फ व्हाट इट इंडिकेट्स इज ये क्लोजिंग प्राइस था मार्केट इधर ही ओपन हो रहा है उसका मतलब है कि फंडामेंटली चेंज नहीं हो चुका है सपोज फंडामेंटली कुछ पॉजिटिव है तो मार्केट वुड हाव बी गैप डाउन ओपन इट वुड हाव शो गैप डाउन ओपन राइट इफ द इफ इट इज ए बियरेस्ट थिंग इट वुड हाव शोन गैप डाउन ओपन सो उस तरह हो जाता है ना सो लेट्स ए मार्केट ओपन हियर एंड इट फॉर्म अ स्मॉल कैंडल सो वॉट दिस इंडिकेट्स इज देर इज नो फंडामेंटली चेंज है इन द वर्ल्ड मार्केट हेन्स देर इज ए हाई प्रॉब्बिलिटी ऑफ प्राइस नो स्टेइंग विद इन द सेम रेंज सपोज लाइव मार्केट पे कुछ फंडामेंटली चेंज आ गया तो किसी कंट्री ने किसी कंट्री के ऊपर बॉम्ब डाल दिया तो किसी कंट्री पे अर्थवेक हो गया तो फंडामेंटली चेंज हो सकता है लेकिन उस तरह चेंज नहीं हो गया तो मार्केट इधर ऊपर स्मॉल कैंडल एक्सेप्ट इसको कहते हैं प्राइस एक्सेप्टेंस उस तरह दिखाया तो सो देर इज ए हाई पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस स्टेइंग विथ इन द सेम रेंज इन अनदरवर्ड्स The same level 21495 can act as a resistance even on this particular day and the same level 21246 can act as a support on the same day. Don't you think it is helpful? आपको trust uh, करने के लिए मुश्किल हो रहा है ना? Okay let's see some of the example. अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा zoom out कर लेता हूँ. Okay ये देखिए, ये देखिए, ये वो उस प्रीवियस डे का हाई था और ये देखिए वो प्रीवेस दे का लो था ओके सो इधर अच्छी तरह से देख लीजिए सो फ्रॉम हियर पर्टिकुलर डे सो प्राइस इधर ही इधर ही क्लोज हो गया था और प्राइस इधर ही ओपन हो गया विच मीन देर इज अ बैलेंस सिचुएशन इन वर्ल्ड मार्केट सो प्राइस दर इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइज स्टेन द सेम रेंज सेम रेंज टे हो गया ना दर इज नो फंडामेंटली चेंज राइट इसी तरह सेम लॉजिक पे इधर देखिए ये वो प्रीवियस इस डे का लो था इधर देखिए प्राइज इधर क्लोज हो गया था ऑलमोस्ट सेम लेवल पे प्राइज हो ओपन हो गया पीपल ट्राई टू पुश डाउन साइड बट द सेम प्रीवियस डे लो एक्टेड एज अ स्ट्रांग सपोर्ट है ना सो वॉट इट इंडिकेट्स इज साइडवेज होने का इस रीजन पर विथ इन दिस रीजन पे साइडवेज मार्केट दिखाने का चांसेस ज़्यादा रहता है इस तरह हम एनालिसिस कर सकते हैं मैं और कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ लेट्स से वी विल गो टू इंफोसिस मैं इंफोसिस जाना चाहता हूँ hmm, मैं डिलीट करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल गो टू इन्फोसिस हम इन्फोसिस नंबर बहुत बड़ी आई कंपनी है इंडिया में सो so, इसको चेक कर लेंगे सो so, इधर देखिए uh, ये प्रीवियस डे हाई था ना ये प्रीवियस डे हई था सो इधर देखिए सेम लेवल एक्टेड एस रेजिस्टेंस है ना और इधर क्लोज हो गया था ना मार्केट और प्राइस इधर ही ओपन हो गया देखो क्लोजिंग लेवल और ओपन लेवल बहुत सेम है सो विच मीन्स और प्राइस एक एक कैंडल डिस्प्ले किया है इन साइड बॉडी सो इट मीन्स देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस स्टेइंग विथ इन द सेम रेंज द सेम हाई कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस द सेम लो कैन एक्ट एज ए सपोर्ट इधर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो गया ना ओके सो कैन गो लिटिल बैक साइड ऑल्सो सो आप इधर पीछे गए तो इधर देखिए फॉर एग्जांपल इधर देखिए दिस वाज द हाई ऑन दट पर्टिक्यूलर ट्रेडिंग डे राइट द सेम लेवल द प्राइस केम टू दिस लेवल पिच्ड इन एंड इट वेंट डाउन साइड राइट सो हम और कुछ स्टॉक्स को जाते हैं फॉर एग्जाम्पल वी विल गो टू टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स को जाते हैं मैं इस ड्राइंग को क्लियर करता हूँ इधर देखिए फॉर एग्जाम्पल ओके सो इधर देखिए ये प्रीवियस डे हाई था ना सो so इधर ही क्लोज हो गया था और मार्केट इधर ही ओपन हो गया एग्जैक्ट लेवल पे ओपन हो गया स्मॉल कैंडल डिस्प्ले कर दिया सो सेम लेवल एक्ट एज रेजिस्टेंस राइट इधर देखिए ये पूरा लेवल ये दिन के लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो गया हम इसको एक्सेप्टेंस कहते हैं प्राइस थोड़ा इधर से ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा रहता है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी बट ऑन दिस पर्टिक्यूलर डे इट एक्टेड एज ए रिस्टेंट इसी तरह देखिए ये प्रीवियस डे लो है फिर भी इधर से इधर देखिए स्ट्रांग बाइंग विक बहुत सारे बइंग पवर इस लेवल पे आ गया द सेम लेवल एक्टेड एज सपोर्ट इधर और इधर देखिए सो दे डिट अलो प्राइस टू कम टू दिस लेवल ओनली और इधर कंसोलिडेशन हो रहा है सो so इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है आज आई मीन नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे और इधर देखिए सेम लेवल दिस इज द लो सेम लो एक्टेड ए सपोर्ट है ना द सेम प्रीवियस डे लो एक्टेड एक्टेडाइज ए सपोर्ट ओके इस तरह एग्जाम्पल हमें बहुत सारे मिलते रहते हैं हम फॉर एग्जाम्पल एसीसी पे जाएंगे हम सी पे जाएंगे सो so, ए सी सी पे में ए सी सी में इधर देखिए ये प्रीवियस डे हाई था ये प्रीवियस डे हाई था ओके सो मार्केट ऑलमोस्ट उधर ही ओपन हो गया ये प्रीवियस डे रेंज था ये प्रीवियस डे हाई सो मार्केट इधर ही ओपन हो गया लेकिन देखिए फर्स्ट कैंडल में वो बड़ा बइंग कैंडल दिखा रहा है ना सो व्हाट इट मीनस इज फंडामेंटली ओवरनाइट शिफ्ट हो चुका है बुलिश हो चुका है

हियर ऑल्सो सी फॉर एग्जाम्पल हियर ऑल्सो मैं इसकोट करता हूँ इधर देखिये ये वो लो था देखिए ये लो एक्टेड ए सपोर्ट इधर भी सपोर्ट की तरह एक्ट हो गया और सेम लो एक्टेड सपोर्ट इधर की सपोर्ट की तरह एक्ट हो गया सो इन दिस टाइप पे सो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ला करता है इंटरनेट ट्रेडिंग में हमें यू नो प्राइज एक्शन भी समझना पड़ेगा प्रीवियस डे हाई पे प्राइज एक्शन क्या हो रहा है प्रीवियस डे लो पे प्राइज एक्शन क्या हो रहा है इस ये दोनों समझने के बाद हम ट्रेड ले सकते हैं आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे दूसरी कहानी और दूसरी लेसन के साथ सी यू